भागलपुर के लगातार डेंगू के कहर जारी है। भागलपुर में लगातार जिस तरीके से डेंगू कहर बरपा रहा है वो काफ़ी भयावह होता जा रहा है। डेंगू से देर रात एक बच्ची की मौत हो गई है। जगदीशपुर प्रखंड के इमामपुर पंचायत के रहने वाले एक दैनिक उर्दू अखबार के पत्रकार अफाक असद आज़ाद की 29 वर्षीय पुत्री फरहीन नाहिद की डेंगू से मौत हो गई। 3 दिन पहले बच्ची को डेंगू होने का पता चला था, जिसके बाद परिजन प्राइवेट चिकित्सकों से उसका इलाज करा रहे थे। देर रात हालत नाजुक होने पर उसे एक प्राइवेट नर्सिंग होम के ICU में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने प्रशासनिक लापरवाही के आरोप लगाते हुए बताया कि घर के सामने जल भराव, डेंगू के मच्छर पनपे, जिससे बच्ची चपेट में आ गई। एक तरफ जहां डेंगू से बचाव करने को लेकर सरकार कई दावे कर रही है, लेकिन जगदीशपुर प्रखंड के इमामपुर पंचायत में डेंगू से मौत होने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बच्ची को डेंगू हुआ था, बुखार आया, उसको ट्रीटमेंट कराया डॉक्टर से, तो जांच हुआ, जांच में डेंगू निकला। और डेंगू का कारण है कि यहाँ पर पानी जमा है, बगल में एक कारखाना है रंगी का, वो सारा पानी गिराता इधर आता है। मुखिया जी आए थे नाला बनाने, तो वार्ड नंबर 7 के मोहम्मद शमसाद ने रोका, और मोहम्मद चांद वार्ड नंबर 8 के मुखिया के वार्ड सदस्य के ससुर ने रोका, और CO भी आए यहाँ पर। CO ने कहा कि जो पुराना नाला बना है उसको साफ कर दीजिए, ये पानी निकास हो जाएगा, लेकिन उन लोगों ने उसका CO का भी बात नहीं माना, और पानी वाले को उल्टा कह दिया गया। पानी वाले से जब मैंने बात किया कि पानी तुम बंद करो, तो उन्होंने कहा कि हमको कहा गया है, आपके मोहल्ले वालों ने सब मिल के कहा है कि पानी खूब भराइए, जो होगा देखा जाएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या तो ये कारण यही है कि नाला वो लोग अपने मनमाने ढंग से बनाना नए ढंग से चाह रहे हैं, और वो इधर आना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका सामने मकान वो चाह रहे हैं कि इधर नाला हो जाएगा तो रोड में की चौड़ाई उधर ही लोग लग जाएंगे, क्योंकि पूरा अतिक्रमण है, आप देख सकते हैं रोड में।